हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने इस चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि सिंह। तो आज हम लोग बात करेंगे एक और KFI फिल्म, यानी कि एक और सैंडलवुड की फिल्म, जिसे सजेस्ट किया आप ही लोगों में से। बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि भाई एक बार मुफ्ती जरूर देखना, ये मूवी यूट्यूब पे मिल जाएगी और सबसे अच्छी बात है कि ये मूवी हिंदी डब में अवेलेबल, तो मेरे लिए तो सोने पे सुहागा हो गया। क्योंकि मुझे आप सभी लोगों जैसे बता दूं कि भाई मुझे कन्नड़ा लैंग्वेज नहीं समझ में आती, लेकिन जो मिठास है कन्नड़ा लैंग्वेज की वो तो मुझे बिल्कुल समझ में आती है। तो मैं मोस्टली प्रीफर करता हूं कि कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्में कन्नड़ा लैंग्वेज में ही देखूं, लेकिन जब अगर हिंदी में देखने का मौका मिलता तो मैं उस मौके को भी नहीं छोड़ता। तो आज मैंने जो मूवी देखा, इस मूवी का नाम है मुफ्ती। इस मूवी में हमें श्री मुरली और शिवा राजकुमार सर हमें मेन लीड में नजर आते हैं। इस फिल्म की जो लेंथ है लगभग 2.5 घंटे के करीब, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पावरफुल फिल्म्स केम फ्रॉम पावरफुल कनाडा इंडस्ट्री। और ये बात तब सही साबित हो रही थी जब आप ये फिल्म देखोगे जिसका नाम है मुफ्ती। ये एक एक्शन एंटरटेनिंग फिल्म है, लेकिन इसमें आपको एक्शन के अलावा इमोशन देखने को मिल जाएगा, थोड़ी बहुत कॉमेडी देखने को मिल जाएगी, कहानी जबरदस्त देखने को मिलेगी। डायलॉग की बात करो तो एक नेक्स्ट लेवल के डायलॉग है। म्यूजिक यानी कि BGM की बात करो तो बाप रे बाप, इतना जबरदस्त BGM है इसका कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये वही म्यूजिक डायरेक्टर है जो द बाप ऑफ ऑल फिल्म KGF चैप्टर 1 का जो म्यूजिक दिया है रवि बासु, उन्होंने इस फिल्म का भी म्यूजिक दिया है, बहुत जबरदस्त BGM। और एंट्री की बात करूं तो जब शिवा राजकुमार सर की जो एंट्री है उसमें जो BGM बजता है और जिस तरह से उनकी एंट्री है ना भाई, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुल मिला के ये फिल्म में आपको वो सब कुछ देखने मिलेगा जो एक आम आदमी फिल्म देखने के लिए जाता है, जिस वजह से वो फिल्म देखता है। क्योंकि देखिए इंसानों की जो कॉमन, हम जैसे कॉमन आदमी, तो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन होते हैं, तो हम लोग फिल्म इसी वजह से देखते हैं कि हम लोग कुछ देर अपनी टेंशन को भूल सके, थोड़ा एंजॉय कर सके, थोड़ा हंस सके, थोड़ा अपने जो अंदर का गुस्सा है उस गुस्से को बाहर निकाल सके। क्योंकि देखिए जब हीरो किसी विलन को मारता तो इंसान जो देख रहा है, व्यूअर जो देख रहा है, वो सोचता है कि हम लोग अपने बॉस को मार रहे हैं या हम लोग उसको मार रहे हैं जो हम लोग रियल लाइफ में मार नहीं पाते। तो हम लोग कहीं ना कहीं अपना गुस्सा ना वो हीरो के अंदर डाल देता है और वो विलन को मारता तो बहुत ज्यादा मजा आती है। और जब हीरो किसी हीरोइन से रोमांस करता है तो जो आदमी जो व्यूअर देख रहा है वो सोचता है कि वो अपनी वाइफ के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या बाहर वाली के साथ रोमांस कर रहा। तो इंसान फिल्म देखता नहीं, इंसान फिल्म को जीता है। और स्पेशली जो फैन होते हैं, फैन की तो बात ही अलग होती है। खैर जब इस फिल्म को मैं देख रहा था, देखिए मैंने शिवा राजकुमार सर की पहले फिल्में देख चुका, लेकिन मेरे लिए श्री मुरली की मैंने फिल्म नहीं देखा था, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने उनकी फिल्म देखा। मैं इतना ही कह सकता कि एक्शन हीरो के हिसाब से वो बहुत जबरदस्त है, और जिस तरह से उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन आ रहे थे ना, मैं एकदम गौर से देख रहा था। मुझे कहीं से भी ऐसा लग रहा नहीं था कि यार मैं ये फिल्म देखकर बोर हो रहा हूँ। ये फिल्म में मुझे सब कुछ देखने को मिला, एक बढ़िया कहानी थी और कहानी के हिसाब से जो स्क्रीन प्ले चलना चाहिए, जो जो चीजें बीच बीच में आ रही थी, जैसे कुछ कॉमेडी टच डाला गया था, फिर कुछ इमोशनल सीन्स तो इस फिल्म की जान है मैं बोलूंगा। और ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस फिल्म में मुझे इस तरह से इमोशनल चीजें देखने मिलेगी। जो मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस फिल्म की कहानी में आपको एक छोटी सी कहानी बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का जो टाइम है या जो आप लोग इस फिल्म को देखना है तो आपको कहीं से भी वेस्ट हो जाए। क्योंकि मैं खुद आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक बार तो सही इस फिल्म को जरूर देखना। और जो मेरी हिंदी ऑडियंस है उन लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में एक एक्शन फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है दबंग 3 में जो आपने क्लाइमेक्स का सीन देखा था, जो पीछे जहां पर वो बाली जो विलन रहता था तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड बताया था, तो वो जितना भी बैकग्राउंड है ना वो इस फिल्म से चुराया गया है। आप ये लोग यकीन नहीं करोगे, लेकिन वो पूरा एज इट इज कॉपी करके थोड़ा बहुत चेंजेस करके दबंग 3 में यूज किया है। तो मैं दबंग 3 के मेकर्स लोग को और सलमान भाई के फैन, मैं खुद सलमान खान का फैन हूँ, तो मैं इतना ही बोलूंगा अगर दबंग 3 का जो मेकर्स है, जो राइटर है, अगर वो सिर्फ वो जो पीछे का जो बैकग्राउंड है क्लाइमेक्स में जो लेते उसको चुराने से अच्छा अगर पूरी कहानी को भी चुरा लेते ना, तो दबंग 3 को जितनी गाली और जितने जूते मिले वो नहीं मिलते और पिक्चर हिट हो जाती थी। ये मेरी तरफ से सजेशन है। खैर इस मूवी की कहानी बताओ तो कहानी शुरू होती है पुलिस ऑफिसर जिसका रोल यहाँ पे प्ले किया श्री मुरली ने, जिनका इस मूवी में नाम है गाना। वो एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन उनको एक ऐसी जगह भेजा जाता है यानी कि रोनापुर, जहाँ पर एक डॉन है। उस डॉन से काफी लोग डरते हैं, उससे उन्हें एक अंडरकवर ऑपरेशन दिया था, यानी कि उन्हें किसी भी तरीके से भैरती राणा गुल्ला जो डॉन है जिसका रोल यहाँ पे प्ले किया शिवा राजकुमार, उनको पकड़ना है। गाना इस चीज में कामयाब हो पाएंगे या कहानी कुछ और ही मोड़ ले लेगी, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये एक बार तो सही ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा इम्प्रेस की, हर एक चीज इस मूवी की मुझे बहुत अच्छी लगी और कहीं से भी ऐसा लगा नहीं कि ये मूवी 2.5 घंटा मतलब बहुत ज्यादा लेंथी है। तो कुल मिला के मैंने बहुत इंजॉय किया। अगर आपको भी कुछ अच्छी फिल्म देखना, कुछ अच्छी कंटेंट वाली फिल्म देखना जिसमें आपको सब कुछ देखने को मिले, तो ये फिल्म को एक बार जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो की लिंक को जितना हो सके शेयर कर सकते हो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे,
जितनी जो साइट है नेटवर्किंग साइट सब जगह इस वीडियो की लिंक को शेयर कर देना। और मेरा नाम है राशि शेख और आप सब है अरहान एंटरटेनमेंट को, इसको भूलना मत। तो बस मिलते हैं कल किसी नए वीडियो में, तिल दुआ में याद रखना।